छत्तीसगढ़ निवासी अजय कुमार जैन के घर की छत पर दोपहर 12 बजे अचानक ललमुहे बंदरों के झुंड में लड़ाई हो गई। उक्त दल आपस में एक दूसरे को नोचने खसोटने लगे। इस दौरान एक मादा बंदरिया इस नोकझोंक की शिकार होकर पूरी तरह से घायल हो गई। लोगों ने किसी तरह से बंदरों को वहां से भगाया और घायल बंदरिया की सूचना वन विभाग रेस्क्यू स्क्वाड को दी, जहां से सर्प एवं वन्य प्राणी विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को सूचना दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करते हुए बंदरिया को पकड़कर वन विभाग रेस्क्यू स्क्वाड प्रभारी गुलाब सिंह परिहार को उपचार हेतु सौंप दिया। दुबे के अनुसार ललमुहे बंदरों को मकैक बोलते हैं। ये बेहद आक्रामक और सर्वाहारी भी होते हैं। प्रजनन का समय होने के कारण इनमें वर्चस्व की लड़ाई होती है और जो बंदर विजयी होता है वह दल का मुखिया बन जाता है। फिलहाल बंदरिया को उपचार हेतु वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। गढ़ा थाना अंतर्गत चिकनी कुआं गढ़ा निवासी अजय कुमार जैन के घर की छत पर लाल मुंह के बंदरों का झुंड अचानक आपस में झगड़ा करने लगा और उनकी इस लड़ाई में एक मादा बंदरिया बुरी तरह से घायल हो गई। उसके सर पे और कमर पे चोट आ गई। लोगों ने किसी तरह बंदरों के दल को वहां से भगाया और इस बंदरिया के उपचार के हेतु वन विभाग में फोन लगाया। वन विभाग रेस्क्यू स्क्वाड दल से हमें सूचना मिली और हमने मौके पर जाकर आज दोपहर 12 बजे रेस्क्यू करते हुए इस मादा बंदरिया को पकड़ करके उपचार के हेतु वन विभाग रेस्क्यू स्क्वाड प्रभारी गुलाब सिंह परिहार को सौंप दिया। वस्तुतः ये ललमुहे बंदर मकैक प्रजाति में आते हैं और ये काफ़ी आक्रामक और सर्वाहारी होते हैं। इसके उलट जो काले मुंह के बंदर होते हैं उन्हें लंगूर कहा जाता है और हनुमान बंदर भी कहा जाता है। काले मुंह के बंदर शाकाहारी होते हैं और आक्रमण नहीं करते, बहुत ही कम परिस्थितियों में आक्रमण करते हैं। इनके काटने पर रेबीज हो जाता है। वर्चस्व की लड़ाई के लिए चूंकि अभी प्रजनन का समय चल रहा है, इसमें बंदरों के झुंड में वर्चस्व की लड़ाई होती है। जो बंदर जीत जाता है वह पुराने मुखिया को दल से अलग करके स्वयं मुखिया बन जाता है। इसी कारण इनके इस झगड़े में यह ललमुही बंदरिया घायल हो गई और एक तरफ जाकर रक्तरंजित अवस्था में बैठ गई। फिलहाल बंदरिया को हमने पकड़ करके इस ललमुही बंदरिया को वन विभाग के समक्ष उपचार के हेतु सौंप दिया है। सर्प विशेषज्ञ एवं वन्य प्राणी विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे, जबलपुर। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।